हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, 4 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग राजस्थान पीटेट 2021 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी, राजस्थान जीके, जीके जीएस के टॉप 79 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 79 क्वेश्चन में आपको 65 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। यदि आपने इन 79 में 65 क्वेश्चन के आंसर बताए, तभी आप इस टेस्ट में सफल घोषित किए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, राजस्थान जीके सामान्य हिंदी और जीके जीएस के अब तक 2008 से 2019 तक पूछे गए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा आप लोग एक कॉपी पर। क्लास का टाइम रहेगा आपका, पहली जो क्लास होती है आपकी दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है 4 बजे, तीसरी जो क्लास होती है आपकी रात के 8 बजे। तीनों ही क्लास को आपको ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपका ही होगा। 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे, ठीक है। एक कॉपी पर क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? परमाणु भार। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आयरलैंड। ए नेशन इच मेकिंग के लेखक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ए नेशन इच मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर 2019 आयोजित हुआ? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भारत और कतर। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत में लगभग 10 प्रमुख बंदरगाह हैं, 11, 18, 15, 12। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भारत में लगभग 12 बंदरगाह हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है तो निकट दृष्टि दोष ये किससे संबंधित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। आठवां क्वेश्चन है गाइस, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धैर्य है केवल जिसका अर्थ है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नवा क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दसवां क्वेश्चन है गाइस, स्टेयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टेयरिंग में फ्री प्ले किस प्रकार आती है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्टेयरिंग के ढीले होने के कारण।
ग्यारहवां क्वेश्चन है गाइस, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बारहवां क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वीपी सिंह। 13वां क्वेश्चन है गाइस, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 वाट घंटा किसके बराबर है? 3600 जूल के। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बेगम हजरत महल। 15वां क्वेश्चन है गाइस, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। निम्न में से किस भारतीय सेंट और आर्टिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित सेंट स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सुदर्शन पटनायक। गाइस अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नागालैंड। 19वां क्वेश्चन है गाइस, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश का बना होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मिश्र धातु। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत संघ, सोवियत रूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत रूस। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्याज कंद की विशेष गंध किस कारण होती है? प्याज कंद की विशेष गंध किस कारण होती है? सल्फर यौगिक। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 23वां क्वेश्चन है गाइस, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अकबर। गाइस अगला क्वेश्चन है, माई त्रुट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। माई त्रुट नामक पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा गांधी। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता? मनु भाकर। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वीर नरसिंह। तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वीर नरसिंह।
फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन है? इंग्लैंड, क्रोशिया, फ्रांस, बेल्जियम। जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, फ्रांस। 28वां क्वेश्चन है गाइस, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन। गैस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, सिने कला, खेल संपादकीय, साहित्य संबंधी लेखन। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया? मेक्सिको, स्पेन, चिली, वेनेजुएला। जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चिली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पाटलिपुत्र। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, डीटी या टीटी? बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, प्लीहा, वक्र। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा अंग प्रभावित होता है। तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती, लूणी, कृष्णा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कृष्णा। नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया? सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चिल्का झील ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? लरकाना, कालीबंगा, लोथल, रोपण। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कालीबंगा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के कौन से महाराजा ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? नरेंद्र सिंह, गंगा सिंह, करणी सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है गाइस, कालीबंगा की सभ्यता का अर्थ क्या है? कालीबंगा की सभ्यता का अर्थ क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा की सभ्यता का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राज्य की जलवायु शुष्क है क्योंकि, क्या कारण है? इसका कारण है सागर के काफी दूर राज्य की स्थिति होने के कारण मानसून का कमजोर पड़ जाना। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में राई का क्या है? राजस्थान में राई का,
गांव से गांव जाकर माल बेचते थे। तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो जवाहर सागर बांध कोटा जिले में। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। जयपुर में किस स्थान पर अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न होती हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जवाहरलाल जवाहर कला केंद्र में। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित लागू है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जनजाति मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है गाइस, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? धौलपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, जांगल बीकानेर का प्राचीन नाम निम्न में से किसके पूर्वजों का राज्य माना जाता है? जनक, पांडव, यादव, कौरव। जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कौरव। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? राजस्थान समाचार, सज्जन, कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान, राजपूताना, गजेटियर। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सज्जन, कीर्ति सुधाकर। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज्य में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सीतापुरा, जयपुर में। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? चंबल, माही, साबरमती, बजाज। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, माही। अगला क्वेश्चन है गाइस, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अलवर जिले में। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, नैशसी री खयात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, डुनाड़ी, संस्कृत, फारसी। तो ये लिखी गई है राजस्थानी में। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रतापगढ़। गाइस अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरियां कहाँ पाई जाती हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ये पाई जाती हैं सीता माता अभयारण्य में। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोटा में। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बड़ी ठड़ी का चित्र किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? मेवाड़, हाड़ौती, किशनगढ़, मारवाड़। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, किशनगढ़। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस संग्रहालय में गुप्त काल से लेकर 16वीं शताब्दी तक की पाषाण प्रतिमाएं विद्यमान रहती हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राजकीय संग्रहालय अजमेर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं
वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नाथ द्वार में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? राणा कुंभार, राज सिंह प्रथम, सुरजन, महाराणा जय सिंह। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राज सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, शेख हमीदुद्दीन। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसोंग ने राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर भ्रमण किया था? जयपुर, अलवर, भीनमाल, नागौर। ऑप्शन सी जो है आपका भीनमाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोनाल्ड राज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राय सिंह, पंचन देव, चंद्रसेन, दुलह राय। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दुलह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, जसनाथी संप्रदाय का प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, बुड़ानिया, कतियासर। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कतियासर। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी खंपात की खाड़ी में मिलती है? साबरमती, कालीचिन, कोठारी, बेट। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, साबरमती। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन पाकिस्तान सीमा पर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सभी। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दीर्घ संधि। विपरीतार्थक शब्द युग्म है, विपरीतार्थक शब्द युग्म होगा लाभ हानि। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? ठंडा, गर्म, ठंडा और गर्म इनमें से कोई नहीं। ठंडा और गर्म, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? संस्कृत, लैटिन, फारसी, अरबी। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अरबी भाषा का शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। विधि के अनुसार जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोयलों की दलाली में हाथ काले, लोकतृप्ति का अर्थ क्या होगा? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बुरे का साथ देने से कलंक लगता है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। क्लास का टाइम एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। पहली जो क्लास होती है 12 बजे होती है, दूसरी जो क्लास आपकी होती है दोपहर 4 बजे होती है, तीसरी जो आपकी क्लास होती है रात के 8 बजे। तीन क्लासेस चल रही हमारे चैनल पे हैं, इन तीनों क्लासों को आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो आप अपना खुद का घाटा करेंगे। आपको करेक्ट 12 बजे आना है, करेक्ट 4 बजे आना है, करेक्ट 8 बजे आना है, एक मिनट कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो क्लास का टाइम है वो नोट कर लीजिए कॉपी पर और आपको टाइम टू टाइम आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।